सो हे ब्रोस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक अगेन टू मैक करीना। और यार, जिसको भी नहीं पता, ये वीडियो पहले से ही रिकॉर्डेड है। सो यार, माफ़ कर देना अगर आपके टॉपिक पे अभी चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं आएगा जो भी आप सजेस्ट कर रहे हो। बट सबसे पहले यार, जिक्स 576 शॉर्ट यू। और आज की वीडियो में आपसे मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगा, कुछ प्रो टिप्स। तो वीडियो को एंड तक देखना यार, प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है आपके भाई की आपके साथ। तो हम बैटल में आ चुके हैं। जो हमारी पहली टिप है वो है, सबसे क्लोजेस्ट कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करो। सो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट कैप्चर कर लिया, यहाँ पे मैं दूसरा कैप्चर कर रहा हूँ, देख सकते हो। और यहाँ पे एक एनिमी आ गया तो उसे किल कर देते, और वो शैडो था। और हमें स्मूथ ऑपरेटर और फर्स्ट ब्लड मिल चुका। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आपको अपने सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है। और आपको थोड़ा सा, जब आपकी हेल्थ ज़्यादा है तो आपको अटैक मोड में रहना है। मतलब डिफेंसिव मत खेलो, अटैक के एग्रेसिव खेलो। और इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि भाई, आपके वेपन्स भी अपग्रेडेड होने चाहिए। वेपन्स मैटर अ लॉट, बिकॉज यार मैं आपका जब तक वेपन अच्छा नहीं होगा तब तक आप किसी भी बंदे को जल्दी नहीं मार पाओगे। जो अगला टिप है हमारा कि हमेशा रैंडम शॉट्स लेने की कोशिश करो मेरे भाई। रैंडम शॉट्स लोगे तो देखो क्या होगा, कि लग सकता है, मर भी सकता है, तो रैंडम शॉट्स लो। और जब भी एनिमी क्लोज आ जाए तो भाई, मतलब उस पर तो चढ़ ही जाओ, मतलब उसको मतलब मार ही दो कतई, मतलब अटैक मोड में आ जाओ और उसको मारो सबसे पहले। अगला टिप जो मैं देना चाहूँगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, और इसे तुम मतलब किसी भी मैप में यूज़ कर सकते हो, लिटरली किसी भी मैच में, तो ये है हमारा बॉस टिप। तो इसमें है कि भाई यार, कवर का यूज़ करो। कवर यूज़ करोगे तो बहुत ही तगड़ा खेल पाओ। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, देखो मैं कवर का यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। मेरे को पता है वो लोग आएंगे और वो लोग मर जाएंगे क्योंकि मैं कवर का यूज़ कर रहा हूँ। ब्रो देखो, इसकी हाफ हेल्थ हुई और मैंने मिले डैश यूज़ किया, क्योंकि ये बंदा सिंगल था। आप कभी भी ग्रुप में दो तीन बंदे हो तो कभी भी मिले डैश यूज़, कभी भी जिस भी बंदे की हेल्थ कम हो उस पर पूरा चढ़ ही जाओ। मतलब किल चोरी होने ही मत दो, खुद के किल खुद ही लो। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, असिस्ट मत होने दो, क्योंकि असिस्ट होता है तो बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। जो हमारी अगली टिप है, जो बंदा ज़्यादा मूव कर रहा है, मतलब आपको मूवमेंट देनी है, आपको एक जगह पे खड़ा नहीं रहना है। अगर आप कवर का यूज़ कर रहे हो तो भाई आप एक जगह पे खड़े रह सकते हो, बट अगर आप मूवमेंट करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से खेल पाओगे, उस बंदे का एम नहीं लगेगा। लेट्स होप फॉर मिसाइल रैक की अगर हम बात करते हैं, तो यार मिसाइल रैक जब भी किसी को हिट करता है, अगर वो एक जगह ही खड़ा रहेगा ना तो वो डेफिनेटली मर जाएगा, लेकिन अगर वो मूव करेगा तो वो बिल्कुल नहीं मरेगा। जो हमारा अगला टिप आता है, हमेशा अपने टीम के साथ रहो। आप ज़्यादा डोमिनेट करोगे अगर आप अपने टीम मेट के साथ रहोगे। भाई टीम मेट्स के साथ रहोगे तो सब कर पाओगे। यहाँ पे देखो हमें अनस्टॉपेबल मिल गया है, और ये अनस्टॉपेबल देखो क्यों मिला है, क्योंकि हम कवर का अच्छे से यूज़ कर रहे थे पहली बात। दूसरी बात, हम बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफेंसिव तो नहीं, लेकिन हम अटैक खेल रहे थे, हम अपने वो वाले कंट्रोल पॉइंट को डिफेंड कर रहे थे। तो यहाँ पे हम मर चुके हैं, और अब तुम देखोगे मेरा एक वियर्ड कॉम्बो। जी हाँ, अगर तुम मेरे जैसे गधे हो तो तुम जेफर पे भी जैवलिन रैक यूज़ करोगे, बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स आर ऑलवेज गुड। एक्सपेरिमेंट से आपके गेम प्ले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। यस, देखो यहाँ पे मैं जैवलिन रैक यूज़ कर रहा हूँ। जैवलिन रैक अगर आप जगरनॉट पे यूज़ कर रहे हो, मतलब जगरनॉट आपके सामने और आपको उस पर यूज़ करना है, तो वन बाय वन यूज़ करना चाहिए आपको। कभी भी दोनों को साथ में फायर मत करो, दैट्स द प्रो टिप बिहाइंड दिस थिंग। और जेफर तो भाई, जिसको भी नहीं पता भाई, बहुत तगड़ा मैक है, लेकिन यार उसको यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं टोटली कवर में हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उसे आराम से मार दूंगा। यस, उसकी लाइफ कम थी, तो यार यहाँ पे मैंने इसे निपटा दिया और अपने कंट्रोल पॉइंट को डिफेंड किया। यहाँ पे मैंने मतलब मैंने अपने कंट्रोल पॉइंट को बचाया है, मैंने उसको कैप्चर होने दिया, लेकिन मैंने उसे बंदे को मार भी दिया, और मैं हम लोग यहाँ पे मैच जीत चुके हैं। यस, एंड आई एम द MVP, बिकॉज मैंने कवर का यूज़ किया सबसे पहली टिप। दूसरे टिप मैं अग्रेसिव भी खेल रहा था, और डिफेंसिव भी। और वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।